हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने नए सेशन में, जिसमें हम एलटी के लिए सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पर लगातार लेके आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं 25 पार्ट्स के बारे में। अगर जिसने 24 पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, सिलेबस बेस्ड में है। और आज के क्वेश्चन आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन होने वाले, सारे सारे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं अन्य स्टेटों के, ठीक है। कुछ प्रश्न ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है आगमन विधि, निगमन विधि, उत्तराखंड में भी ये भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पर कि शिक्षण की आगमन विधि, तो शिक्षण की आगमन विधि क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, उपयुक्त में से सभी। तो मैंने आपको आगमन निगमन ऑलरेडी बताया हुआ है इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में। यहाँ पर अगर हम विधि की बात करें तो ये आपका एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है, जिसमें यहाँ पर जो है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाता है और यहाँ पर जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, ये भी सही आंसर है। और इसमें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ा जाता है, ये भी सही है। यानी कि जो है डी ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि किस विधि में जो है 5 पद हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे 5 पद, जो कि यहाँ पर आपके दिए गए थे हर्बर्ट के द्वारा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में 4 सोपान दिए गए थे, इसके बाद में इनकी शिष्य हर्बर्ट के शिष्यों ने ही यहाँ पर जो है 5 इनके जो है सोपान दिए गए थे, ठीक है। हर्बर्ट जो कि यहाँ पर हर्बर्ट विधि के जो प्रणाली है उसी के जनक है। और इसमें प्रारंभ में जो है 4 पद देखे थे, स्पष्टता है, सहयोग है, व्यवस्था था और यहाँ पर व्यवहारिक प्रयोग था। लेकिन उसके बाद उनके जो शिष्य थे पंचपदी, जिसको पंचपदी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, हर्बर्ट का नियम, ठीक है। इसमें बाद में 5 पद जोड़े गए, जिसमें प्रस्तावना या पाठ की तैयारी है, विषय प्रवेश है, तुलना था, नियमीकरण था और प्रयोग और अभ्यास है। तो ये एक 5 थे जो कि काफी ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि चलती है ज्ञात से अज्ञात, नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, उपयुक्त में सभी। तो डी आंसर इसका सही आंसर है, उपयुक्त में से सभी। तो यह क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। साथ ही यहाँ नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है और सूक्ष्म से यहाँ पर स्थूल की ओर जाया जाता है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट वाला यहाँ पर, निगमन विधि का एक प्रमुख दोष। तो निगमन विधि से क्या यहाँ पर दोष होता है बताया गया है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो है नोट डाउन जरूर कर लेना है, जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। समय की बर्बादी है, सत्य परीक्षण पर असफलता है, रटने की आदत डालता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, रटने की आदत डालता है ये वाला, ठीक है। इसी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदाहरण देने के बाद नियम निकलवाने वाले पार्ट है, तो उदाहरण से नियम की ओर जाना है, तो उदाहरण से नियम की ओर कौन जाएगा यहाँ पर, आगमन विधि जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगमन विधि, तो आगमन विधि कैसी विधि है यहाँ पर पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मस्तिष्क का विकास करती है, समय बर्बाद करती है, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहयोगी बनाती है, उपयुक्त में सभी। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर, सामूहिक परीक्षण प्राय, तो सामूहिक परीक्षण क्या होता है। शिक्षक छात्र संपर्क कम करते हैं, कक्षा केंद्रित होता है या व्यक्तिक भेद का पालन नहीं कर पाता, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर भी उपयुक्त में सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यक्तिक शिक्षण विधि, तो व्यक्तिक शिक्षण विधि क्या है, ठीक है। समय और शक्ति का अपव्यय करती है और प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं करती, सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी आंसर सही आंसर हो जाएगा। खेलों में जो है बच्चे किस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, खेल में आयु की और ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यौन भेद नहीं देते, जाति का भेद नहीं देते हैं। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है, पुनरावृत्ति के द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, शब्दों को खंडों में बांटकर, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। पुनरावृत्ति कराकर भी करा सकते हैं और उच्चारण को जो समान शब्द उच्चारण कर देंगे तो उससे भी हो जाएगा, और शब्दों को अलग अलग बांट कर करेंगे तो भी हो जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। किल प्रैक्टिक का प्रोजेक्ट मेथड, और इसमें बताना है कि इसके अंतर्गत शिक्षक क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है या आपका मूल्यांकन करता होता है, केवल दर्शक होता है,
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा एक मार्गदर्शक होता है शिक्षक, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल विधि द्वारा शिक्षा का अर्थ है, तो खेल विधि, ठीक है, प्ले वे मेथड के बारे में चल रही है। इसमें खेल विधि अगर बात करूं मैं यहाँ पर, खेल द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, खेल प्रक्रियाओं द्वारा शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर खेल प्रक्रियाओं के द्वारा यहाँ पर जो है शिक्षा, यानी कि जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो प्ले वे मेथड है, ठीक है, तो प्ले मेथड आपके आते हैं जैसे बुनियादी मेथड, महात्मा गांधी वैज्ञानिक है, और प्ले वे मेथड आपका हो जाएगा, ठीक है, डेक्रोली मेथड है, ये सारे मेथड मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, रोल प्ले मेथड है, ठीक है, मंथन विधि है, संवाद विधि, प्रश्नावली विधि है, तो सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इनको आप जरूर से पिछले क्लास में पढ़ लेना। विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, डेक्रोली है, प्रयोगशाला है, निगमन है, आगमन है। तो विज्ञान में क्या होते हैं यहाँ पर, प्रयोग ज्यादा होते हैं, तो प्रयोगशाला विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ह्यूरिस्टिक विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी, विज्ञान में होगी, भाषा में होगी, कला में होगी, उपयुक्त में सभी, यानी कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, अन्वेषण विधि कहते हैं जिसको, या उसको अनुसंधान विधि कह सकते हैं, या शोध विधि कह सकते हैं, आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया था, तो ये किसमें ज्यादा बेस्ट रहेगा? सिंपल सी बात, अनुवेक्षण से अनुसंधान कहाँ पर होता है, विज्ञान की शिक्षा में होगा, तो विज्ञान में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकालती है, यह नियम बताने के बाद कई प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है, शिक्षण की यह विधि है, यानी कि जो आपका एक आयतन के बराबर मतलब हटाने के बाद कर रखा है, तो सेम अगर वही पानी बराबर आयतन हटा देते हैं, यानी कि उसका प्रयोग अगर बताओगे, तो कौन सा शिक्षण का कार्य इसमें यहाँ पर आपका होने वाला है? आगमन होगा नहीं, निगमन होगा यहाँ पर, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है कि छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, स्वयं कर कर या देख कर, इसका आंसर आपका यहाँ पर करके, ठीक है, स्वयं करके सीखेगा, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रोजेक्ट मेथड आपको बताना है कौन सा सिद्धांत पर आधारित है, चयन के सिद्धांत पर, प्रेरणा के सिद्धांत पर, नियमीकरण के सिद्धांत पर, करके सीखने के सिद्धांत पर, बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग जो है प्रोजेक्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट दिया जाता है इसमें। निम्नांकित में से विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, तो विज्ञान शिक्षण की पूछा गया है, तो विज्ञान सर्वेक्षण की सबसे विधि होगी आपका प्रयोगशाला विधि, नहीं होगा यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड होगा, क्योंकि इसी को जो है अनुसंधान विधि, शोध विधि कहते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। छात्रों को जो है अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करती है कौन सा, प्रदर्शन विधि, निगमन है, विश्लेषण है, प्रश्नोत्तर है, तो कौन सी विधि ऐसा होगा जिसमें छात्र ज्यादा से ज्यादा भाग ले सकते हैं? प्रदर्शन में कुछ भाग ले पाएंगे, निगमन में नहीं ले पाएंगे, विश्लेषण में कुछ ही बच जाएंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर में सबसे ज्यादा भाग ले पाएंगे, तो प्रश्नोत्तर डिबेट चलेगा, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, शिक्षण विधियों से शिक्षण रोचक हो जाता है, छात्रों का मन पढ़ाई में लग जाता है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि अगर शिक्षण विधि है तो उससे क्या होगा, शिक्षण प्रभावी हो जाता है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई अन्य एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनके क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, क्योंकि इसमें जो शिक्षण विधि है इसमें भी ऑलरेडी मैंने चैप्टर वाइज मैंने बता रखा है भाई, सिद्धांत और प्रतिवाद के बारे में, जिसमें जैसे किंडरगार्टन है प्रोबेल का है, खेल विधि है प्ले वे मेथड प्रोबेल का है, ठीक है, हेनरी कुक भी आ जाता है इसका आंसर, बुद्धिशीलता का है यहाँ पर ओसमन का है, परियोजना विधि है किलपैट्रिक का है, प्रोजेक्ट मेथड कह सकते हैं इसको, ठीक है, अन्वेक्षण है यहाँ पर, अनुसंधान विधि है आर्मस्ट्रांग का है, सूक्ष्म विश्लेषण है यहाँ पर एलन का है, प्रश्नोत्तर विधि है सुकरात का है, बुनियादी शिक्षा आपका गांधी जी का हो गया, वैज्ञानिक विधि रेकन का होगा, नाटक विधि मोर की होगा, उसके बाद मंथन विधि यहाँ पर ओसमन का हो गया, संवाद प्लेटो का होगा, प्रश्नोत्तर वुडवर्थ का हो गया है, तो ये सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं, समाज विधि विधि आपका हो गया मोरिनी का हो गया है, रेखी अभिकर्मित या आपके स्किनर का हो गया, साखी अभिकर्मित या आपका यहाँ पर क्राउडर का हो गया है, विनेट का विधि आपका बताया है मैंने वॉचमन का है, करके सिग्नल लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी का है, डेक्रोली डेक्रोली का ही है, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी का है, ठीक है, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल का है, समस्या समाधान विधि सुकरात का है, अनुक्रम विधि आप जो है एल्बर्ट का है, एल्बर्ट बुंड्रो, ठीक है, मंथन विधि आपका मैंने बताया है ओसमन का है, इकाई विधि आपके जो है मोरिसन का है,
उसके बाद बुद्धिशीलता विधि आता है, ओस वन का आता है, और एक चीज आपका आगमन निगमन विधि है, ये आपका अरिष्ट का आगमन निगमन विधि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगमन विधि जो है बेकन का नाम भी आ जाता है। अरिष्ट तो है आगमन और निगमन का, अगर मान लो आगमन विधि आ जाएगा, अरिष्ट का नाम नहीं होगा, तो आपको बेकन पे टिक करना है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत सारे शिक्षण विधियों के बारे में। कैसे लगे आज के क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर शिक्षण विधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जब भी एग्जाम का होगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही, और नेक्स्ट जो सेशन में मिलते हैं कल के सेशन में, और डेली बेसिस पे शाम की क्लास लगती है, और आज 25 पार्ट कर लिए हैं, नहीं देखे हैं आपने 24 पार्ट, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर ले।